सीबीएसई स्टूडेंट्स के 5 मिस्टेक्स तुम्हारा प्री बोर्ड बर्बाद कर सकती हैं। नंबर 1, यूज्ड पेन से पेपर लिखना। स्पेशली अगर तुम्हारा पेन इस तरीके का है जिसमें रिफिल नहीं दिखती है, तो देयर इज अ चांस कि जब उसे तुम एग्जाम में लेके जाओ उसकी रिफिल खत्म होने वाली हो। उससे अच्छा है तुम्हें नया पेन खरीदना चाहिए प्री बोर्ड से पहले और उसे एक पेज एटलीस्ट पेपर से पहले लिख के देख लेना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन में ना कुछ हिडन वर्ड्स छुपे होते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन की जगह पूछा होता है नॉट करेक्ट ऑप्शन, तो इस तरीके के हिडन वर्ड से बच के रहना, ये तुम्हारा आंसर गलत करवा सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, कई बार बच्चे सप्लीमेंट्री शीट बहुत सारी ले लेते हैं लेकिन उनमें से एक आधा पे अपना रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं, और अगर बाय चांस वो शीट तुम्हारी मेन शीट से अलग हो गई तो उसके मार्क्स तुम्हारे पेपर में नहीं जुड़ेंगे, ये तुम भी जानते हो। मिस्टेक नंबर 4, जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो जो क्वेश्चन हमें थोड़ा सा कम आ रहा होता है हम उस पे सर्कल लगा के आगे बढ़ जाते हैं कि इसे बाद में करेंगे, लेकिन कई बार पेपर में इतना टाइम ही नहीं बचता है कि हम उन क्वेश्चन पे आ पाए, इसलिए उन छोड़े हुए क्वेश्चन को पेपर के बीच में करने की आदत डालो, ना कि एकदम लास्ट में। मिस्टेक नंबर 5, चॉइस को अच्छे से पढ़ो। आजकल सीबीएसई के एग्जाम में चॉइस इस तरीके की आती है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए आपके लिए कंपलसरी होता है और ऑप्शन बी में चॉइसेस होती हैं या वाइस वर्सा, तो इस तरीके के क्वेश्चन से आपको बच के रहना है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि पूरे क्वेश्चन में चॉइस है लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।